करियर में काफी सक्सेस हासिल की, काफी सक्सेस हासिल की, लेकिन उस कैरियर में ये पता चल गया कि मुझे पैसे तो आने लगे हैं लेकिन मेरी जिंदगी कहीं खो गई है। उन पैसों को कमाने के बाद जीने की आजादी नहीं मिल रही थी और प्रेशर तो इतना बड़ा रहता था कि कभी भी दिमाग का प्रेशर उड़ जाए, इतना प्रेशर रहता था। और उसके बाद घर में आते तो फैमिली के साथ कोई टाइम नहीं मिल रहा था। ये रियल सिचुएशन है हर जॉब करने वाले पर्सन की। कहने के लिए बहुत बढ़िया ऑफिस, एयर कंडीशनर ऑफिस होता है, लेकिन रियलिटी में एक आपका जो कैबिन है वो वहां से घर और घर से ऑफिस, ये सिचुएशन मेरे साथ थी। इसी तरह जॉब किया और बहुत अच्छा अर्निंग भी किया, लेकिन लाइफ नहीं जी रही थी, तो कुछ सोचा आप बिजनेस कर लेते हैं टाइम देने के लिए। बिजनेस शुरू किया तो वहां समझ में आया कि यहाँ पे टाइम मिल रहा है तो ओवर अ पीरियड महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ रही है तो पैसे की कमी हो रही है, तो कहीं ना कहीं इम्बैलेंस रह रहा था। तो क्या करना चाहिए समझ में आ रहा था। शायद एक चीज लाइफ में समझने वाली है कि आपका व्हीकल सही होना चाहिए। अगर आप जो ट्रेंड्स है, जो समय की रिक्वायरमेंट है, अगर आप उस ट्रेंड्स पे 100% परफेक्टली नहीं चलते हो तो कहीं ना कहीं आप महंगाई और समय के साथ पीछे छूट जाते हो। आज यहाँ पे काफी सारे स्टूडेंट्स आए होंगे, तो स्टूडेंट्स आज आपके लिए मैं एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी और काफी सारा इस इंडस्ट्री के बारे में मेरा भी काफी एक्सपीरियंस है, राइट, उसमें हम बात करेंगे। और मैं चाहूंगी आप बिल्कुल इंटरेक्टिव रहे, हम बात करेंगे तो बात बनेगी। आज जो आपकी सिचुएशन है, आप सभी लोग कोविड पिछले 1.5-2 साल से पूरे हिंदुस्तान में कोविड से सभी लोग परेशान है। हमने जैसे कि वीडियो में देखा काफी लोग अनएम्प्लॉयड हो गए, काफी लोगों के जॉब चले गए, राइट। तो ऐसी सिचुएशन में आने वाले समय में क्या भविष्य है स्टूडेंट का, कौन सी इंडस्ट्री में जाना चाहिए, क्या करना चाहिए जिससे उनको एक अच्छा फ्यूचर डेवलप कर सके। क्योंकि जॉब में आज आप जो जाओगे सिचुएशन है तो चैलेंजेस है, ये आप सभी समझ रहे हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है वो अपॉर्चुनिटी, क्या है वो ट्रेंड जिसको आप समझे, एक डिसीजन ले सके और अपनी लाइफ में आगे बढ़ सके। तो शुरुआत करते हैं हम आज के प्रेजेंटेशन से। यूथ एम्पावरमेंट जैसे कि हमारा सेशन है और ये एक एजुकेशनल वर्कशॉप है जो एजुकेशन के साथ आपको सिखाएगा और उसके साथ साथ आपको देगा भरपूर नॉलेज, आपको देगा भरपूर नॉलेज इस इंडस्ट्री के बारे में, आने वाले ट्रेंड्स के बारे में, और आपको एक मार्गदर्शन भी देगा कि किस तरह हमने अपनी लाइफ चेंज की है इतने सारे कैरियर, इतने सारे डिफरेंट ऑप्शन में वर्क करने के बाद। आपको मैं भी बताऊंगी और आपको सक्सेसफुल लोगों से भी मिलाऊंगी और आपको भी हेल्प करेंगी कि कैसे आप इस अपॉर्चुनिटी में काम कर सकते हैं, कैसे आप अपने लिए एक अच्छा इंडस्ट्री सिलेक्ट कर सकते हैं। तैयार है आप? आर यू ऑल रेडी फॉर दिस अपॉर्चुनिटी? चैट बॉक्स में लिख सकते हैं बेशक, राइट। सो दिस इज अ कॉल फॉर एंटायर यूथ, पूरे इंडिया के यूथ को एक हमारी तरफ से बड़ा कॉल है कि एक सोच बदलिए, आगे बढ़िए नई दिशा के तरफ। वो कहते हैं ना, वो हम जब छोटे थे तो बोलते थे नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है, लेकिन आज हम ये कहेंगे कि छोड़ो कल की बातें, कल की बात बुरा नहीं, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी, हम हिंदुस्तानी, राइट। दोस्तों इस नए दौर में नई कहानी लिखने वाले हैं हम सब हिंदुस्तानी, हम सब, क्योंकि इंडिया में मैक्सिमम यूथ है और हर साल आपको बताया जाए करीब लाखों यूथ पास आउट होके निकल रहे, तो क्या उतना एम्प्लॉयमेंट है देने के लिए? सोचने वाली बात है। तो क्यों ना अपनी किस्मत खुद ही लिख ले, क्यों अपनी किस्मत किसी और के हाथ में दे दे। तैयार हो अपनी किस्मत खुद लिखने के लिए? तो चलिए देखते हैं आगे। पहले तो सभी आप सभी जो यूथ कॉलेज से आए हैं या स्टूडेंट्स है, आप सभी एक बार सोचिए कि आपने स्टडी क्यों की, पढ़ाई क्यों कर रहे हैं। चैट बॉक्स में लिख सकते हैं कि हम पढ़ाई क्यों करते हैं। ओके, जस्ट होल्ड ऑन, गिव मी अ मिनट। सो पहला क्वेश्चन कि हम सब पढ़ाई क्यों करते हैं, मैं चाहूंगी चैट बॉक्स में लिखे क्यों पढ़ाई करते हैं। यस, नॉलेज के लिए, गेट गुड लाइफ टू अर्न मनी, वेरी गुड, सिक्योर फ्यूचर, वेरी गुड शैलोजी, टू अर्न बेटर, अच्छा अर्न करने के लिए, यही सब चीजें रहती। और किसी और कोई कुछ लिखना चाहेगा? पढ़ाई क्यों करते हैं?
बचपन से अच्छा। इनफैक्ट हमारा प्ले स्कूल भी आजकल देखते, अरे अच्छा प्ले स्कूल ले, नर्सरी अच्छी हो, स्टैंडर्ड वन, और 2-2 लाख रुपए फीस देते हैं। पेरेंट्स लोग लाइन में खड़े रहते हैं, अलग अलग स्कूल सर्च करते हैं स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, अच्छी फ्यूचर के लिए। देखिए बचपन से ये सारी चीजें जो है, आप सबको पता है कि क्यों हम कर रहे हैं स्टडी। और बिल्कुल सही, आप सभी लोग बिल्कुल सही हो, यही है। बहुत बड़े बड़े सपने हम जब 5 साल के नहीं होते तब से हमारे दिमाग में डाल दिए जाते हैं इस तरह के बच्चे, और हम अपने सपनों की दुनिया में उड़ने लगते हैं। जैसे आपने कहा बिल्कुल सही है, जॉब इन गुड कंपनी, इसीलिए बचपन से पढ़ते हैं, 5 साल की उम्र से पढ़ते हैं, ताकि 15-20 साल पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद एक अच्छी सी जॉब लग जाए। सोचिए 20 साल की मेहनत करते हैं या 15-16 साल की, अच्छी सी सैलरी है, सपना ये, बड़े ड्रीम दिख रहे हैं हम छोटे से, है और बड़े ड्रीम ये, और हम पढ़ाई किए जा रहे हैं। फिर बड़े होने के बाद अच्छी अर्निंग मिलेंगी तो हम 2 व्हीलर ले लेंगे, 4 व्हीलर ले लेंगे, गाड़ी में घूमेंगे। नहीं, हम लोग छोटे रहते हैं, हम भी अपने बच्चों को देखते हैं कि वो कार खरीदते हैं प्लास्टिक के टॉय वाली, ये मन में रहता है, जब भी बड़े होंगे तो इस तरह की गाड़ी में घूमेंगे, राइट। ये सपने रहते हैं बचपन से, जिसके कारण हमें एक व्हीकल दिखाई देता है कि पढ़ाई अच्छी कर ले भैया, पढ़ाई अच्छी करेगा तो अच्छी जॉब मिल जाएगी, और अच्छी जॉब मिल जाएगी तो लाइफ सेट हो जाएगी, सभी को यही बताया जाता है। फिर बहुत सारे लोग का फाइनेंशियल इश्यू रहता है, पेरेंट्स लोग किसी तरह उसकी पढ़ाई करते, सपना रहता है कि एक अच्छा घर बनाऊंगा अपने लिए और अपने पेरेंट्स के लिए, एक सारी तकलीफें दूर करूंगा। फिर रहता है जो जो चीजें मन में इच्छा रहती थी बचपन में, शॉपिंग करने की, कहाँ कॉम्प्रोमाइज, इच्छा तो होती थी लेकिन पापा दूसरी जगह लेके जाते थे कि यही यही बजट है यही ले ले, तो हम वो ले लेते थे, लेकिन लगता था एक दिन बड़ा होऊंगा, अच्छी जॉब करूंगा या अच्छा बिजनेस करूंगा और इतना पैसे कमाऊंगा कि सोचना नहीं पड़ेगा शॉपिंग करने के लिए। एम आई राइट? क्या आप अपने सपनों को कनेक्ट कर पा रहे हो? आप सभी यहाँ पे जो प्रेजेंट है, हम इस पढ़ते समय बचपन से यही सोचते, मैंने तो यही सोचा था कि यही सब होनी चाहिए, राइट। लग्जरियस लाइफ हमेशा सोचती थी, बढ़िया सी कार, बहुत बढ़िया कार, वहां पर जाकर आजू बाजू घूमेंगे। सो दोस्तों ये है हमारा बचपन, और यहाँ से हम शुरू होते हैं सपने देखना। लेकिन आपको बताओ ये सपने जो है, जैसे 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 बड़े होते हैं ना, हमारी हकीकत सामने आती है, सच्चाई सामने आती है, और कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी और सच्चाई के बोझ तले ये सारे सपने हम दबा देते हैं, और जो मिल रहा है जितनी चादर, इतने बड़े होने के बाद फिर ऐसा होता है भैया जितनी चादर है उतने ही पैर पसार लो और जिंदगी काट लो, जितना मिल रहा है उतना ही ले लो और जिंदगी काट लो, यही होता है, राइट। क्यों? क्योंकि देखिए हाल क्या है देश का, अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ते ही जा रहा, अभी कोविड के कारण, उसके पहले जो आया था डिमोनिटाइजेशन आया था, फिर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया। और आपको बता दूं, क्या आपको लगता है कि ये जॉब्स बढ़ने वाले हैं, एम्प्लॉयमेंट बढ़ने वाला है? तो ये गलत सोच शायद है, क्योंकि आने वाला समय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आएगा, सारी चीजें ऑटोमेटिक होने वाली है, तब आप क्या करोगे, राइट। इट इज ऑलवेज गुड कि आप पहले से प्रिपेयर रहो, ऐसी इंडस्ट्री की तरफ आपको जाना है जहां पे दूसरी कंट्रीज ने ऑलरेडी कदम रखा है, जहां पे शायद हम इंडियंस की नजर नहीं गई है, जहां पे हम इंडियंस अभी भी पीछे हैं। तो क्यों ना अपनी जॉब खुद बनाए, क्यों ना अपने बिजनेस के मालिक खुद बने, ना कि कोई हमको निकाल सके जॉब से, ना कि हम ये जॉब की लाइन में खड़े रहे, क्योंकि यहाँ यही होने वाला है, ये सिचुएशन से हम दूर नहीं जाने वाले। जॉब करिए लेकिन उसके साथ एक सिक्योरिटी क्रिएट करके चलिए, ताकि हमें कहीं भी रिस्क ना रहे। सो ये है सिचुएशन, कोविड से और बढ़ गई है और अभी आने वाली है। सो व्हाट एक्चुअली, ठीक है, सो ये सिचुएशन जॉब्स की तो है, और चलिए हमने बचपन से सपने देखे, पढ़ाई की इतने साल कि हम बन जाएंगे, चलिए अब आप सब सोचिए कि आपको एक जॉब मिल गई, अब आपको बहुत कोशिश करने के बाद एक जॉब मिल गई, तो आप विजुअलाइज करिए कि आपको जो है क्या पाओगे, आपको आने वाले 5 साल, 10 साल, 20 साल में उस जॉब से, पहले तो आपको कौन सी जॉब मिल लेंगी, उसमें क्या पैकेज मिल सकता है, और विजुअलाइज करिए आप सब कौन सी जॉब मिलेंगी, उसमें क्या पैकेज मिल सकता है, और आने वाले 5 साल, 10 साल और 20 साल में
क्या वो आपके पास रहेंगी, उसमें क्या ग्रोथ होंगी, और वो बचपन के सपने, लग्जरियस कार, लग्जरियस लाइफस्टाइल, क्या वो सब पूरी होंगी? सोचिए एक बार, और एक बार ये भी सोचिए थोड़ा सा पास्ट में कि जो हमारे पेरेंट्स और आजू बाजू में जो लोग हैं, जो ये सारी चीजें कर रहे हैं सालों सालों से, चाहे जॉब हो या बिजनेस, तो उन्हें एक अर्निंग, लग्जरियस कार लेने या 1 लाख रुपए अर्न करने में कितना समय लगा है, 5 साल 10 साल। सो आप उसको कैसे ओवरकम करोगे? क्या आपका जो आपका जॉब, क्या आप जो भी करने वाले हो, क्या आपको वो देने वाला है जो आपके सपने पूरे होते हुए दिखते हैं क्या? यस नो इन चैट बॉक्स, क्या आपको आपके सपने पूरे होते हुए दिखते हैं क्या जो आप सोच रहे हो? राइट तो क्या करे भाई, वॉट टू नेक्स्ट, वॉट इज नेक्स्ट, करे क्या, कितने रास्ते हैं। मम्मी कहती बचपन में बनो डॉक्टर, पापा कहते वो आता था गाना इंजीनियर बन जाओ बहना, भैया बहना कहती अक्सर, तो ये सब बन गए, उसके बाद आए पहुंचे, जॉब नहीं मिला, अब आगे जाके क्या करे? कोई भी, जैसे मैंने वीडियो दिखाया था, कोई भी नौकरी मजबूरन हमने देखा है, कई लोग इतनी बड़ी बड़ी ग्रेजुएशन लेते हैं लेकिन फ्रस्ट्रेशन में आके 5,000-10,000 की नौकरी कर लेते हैं, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके सपनों को इतनी बुरी तरह ढक देती है कि वो अपने सपने खत्म करते हैं और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के तले दब जाते हैं, वो जो ग्रेजुएशन सब साइड में होता है। ये फैक्ट है, ये रियलिटी है दोस्तों लाइफ की। सो आपको डू यू हैव आइडिया? तो अब समय आया कि चूज करें, समझे, बहुत जरूरी है अगर आप राइट व्हीकल ढूंढते हैं इस इंडस्ट्री में, आगे क्या चीज है जो ऐसी चलने वाली है जो आपको, यस, आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत। सो कौन सी इंडस्ट्री, थोड़े देखते हैं कि इंडस्ट्री का ट्रेंड्स कैसा चल रहा है और कौन सी इंडस्ट्री आगे जाके वर्क करने वाली। सो ये इंडस्ट्री की बात करें तो 1955 में प्लास्टिक की इंडस्ट्री में काफी बूम रहा, 1965 में जहाँ ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री काफी बूम करी, वही 1975 में ऑयल इंडस्ट्री ने काफी बूम की, 1985 में कंप्यूटर्स ने काफी बूम हुआ, राइट, शुरू हुए बड़े बड़े कंप्यूटर थे, 8086 प्रोसेसर आता था, एक पूरा बड़ा रूम, मतलब आज जो हम छोटे छोटे लैपटॉप लेके घूमते हैं, 1985 के समय हम लोग जब उसके बाद में जब कर रहे थे तो हमको बताया जाता था इतने बड़े बड़े कंप्यूटर होते थे, तो वो विजुअलाइज करने में भी अजीब सा लगता था, 8086 प्रोसेसर। हाँ, तो आज देखिए वो क्या था और आज एक छोटे छोटे लैपटॉप आ गए, ये तो ग्रोथ है, ये चेंज है, राइट। उसके बाद टेलीकॉम इंडस्ट्री आई, मोबाइल, बड़े मोटा मोटा मोबाइल आप लोगों ने देखा होगा, नोकिया का मोटा मोबाइल, फिर वो एकदम कन्वर्ट हो गया। उस समय अगर हम टेलीकॉम इंडस्ट्री आया, आईटी इंडस्ट्री आया, अब ये 2000 के समय जहाँ वो नोकिया का मोबाइल होता था और जहाँ बड़े बड़े डेस्कटॉप होते थे, उस समय कोई बोलता था कि ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे, हम वीडियो कॉलिंग करेंगे, तो शायद अच्छा ऐसा होगा, क्योंकि मैंने कुछ ऐसे टूल्स आए थे जिसपे काम भी किया था, और जब मैं लोगों से बात करती थी ना उस समय कि आने वाला जमाना लोग वीडियो कॉल में ही बात करेंगे, लोगों का इंटरेक्शन ही ऐसे हो जाएगा, तो लोग हंसते थे उस समय, मुझे आज भी वो इंसिडेंट्स याद है, तो लोग हंसते थे उस समय, और आज देखिए, और आज मैं उनको बोलूं 1100 नोकिया वाला मोबाइल ले लो, आप में से कौन लेना चाहेगा? कोई नहीं लेना चाहेगा, लेकिन उस समय तो वही था, राइट। तो ट्रेंड्स तो बदल रही है, उसके साथ आगे हम अपने आप को चाहके या ना चाहके बदलाव ला रहे हैं। आज हमारी मेड भी आती है तो देखो क्या बढ़िया उनके पास मोबाइल रहता है एकदम, राइट। आईटी इंडस्ट्री 2005 से आईटी इंडस्ट्री एकदम बूम, हर कोई आईटी इंडस्ट्री, छोटे छोटे यूनिवर्सिटी खुल गए दोस्तों। उसके बाद 2015 में आया नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग का कुछ एग्जाम्पल बता दूं जो बहुत बूम होने लगे, आप सभी ने देखा है। नेटवर्क होता क्या है, इस चीज को समझिए, नेटवर्क जब लोग एक दूसरे से जुड़ते हैं, लोगों का बिजनेस जहाँ लोग इन्वॉल्व होते हैं, एक दूसरे से जुड़ते हैं, वो होता है नेटवर्क। और जब इस नेटवर्क में हम बिजनेस शुरू कर देते हैं, शेयरिंग करना शुरू कर देते हैं, वो होता है नेटवर्क मार्केटिंग। लोगों के बिजनेस में जो आगे आए होते उबर ओला, राइट, आपको याद है नेटवर्क बिजनेस ऑफ पीपल। गूगल कितना तेजी से ग्रोथ हुआ, फेसबुक इंस्टाग्राम, नेटवर्क जितना, लेकिन दोस्तों यहाँ जो नेटवर्क था इसमें एक ही पर्सन इन्वेस्ट कर रहा था और एक ही पर्सन अर्न कर रहा था,
नेटवर्क डेफिनेटली गिव्स यू लॉट ऑफ अर्निंग. एक नेटवर्क ही ऐसा है जो आपको सबसे ज्यादा पैसा दे सकता है, लेकिन आप कौन से नेटवर्क में है, आप जिस नेटवर्क में है उससे आपका बेनिफिट हो रहा है या किसी और का, ये समझ लेना बहुत जरूरी है. जो नेटवर्क ये सारे लोग यूज कर रहे हैं उस नेटवर्क में मैक्सिमम अंबानी या उबर या ओला या फेसबुक, इन्होंने इनके तो करोड़ों के अरबों के फायदे हो रहे हैं. हाँ, आप एक पार्ट हो, लेकिन इसी में एक ऐसी इंडस्ट्री है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में जो काम है, वहां पे आप खुद भी अर्निंग ले सकते हो, जिसके बारे में आप बताऊंगी और जो आने वाला ट्रेंड्स है, बिकॉज जॉब्स नहीं रहने वाले, आत्मनिर्भर बनना है और ऐसे ही अपॉर्चुनिटी से जुड़ना है. किसी ने लिखा चेन सिस्टम, बिल्कुल सही भैया, इस दुनिया में चेन के बिना कुछ है ही नहीं, चेन नहीं, लेकिन जरूरी है आपको जानना कि आप कौन से चेन में हो. ऐसी चेन जिसने आपका चेन खो लिया है, या ऐसी चेन जो आपको जिंदगी का चेन दे सकती है. सो यू हैव टू चूज राइट चेन. चेन तो पूरी दुनिया में है, राइट? तो क्या है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, फ्यूचर में क्या है उसके बारे में जानेंगे. सो उसमें आपको बताओ, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में जो सबसे आगे है वो है यूएसए. यूएसए की पॉपुलेशन सिर्फ और सिर्फ 33 करोड़ है, और हमारे इंडिया की पॉपुलेशन है 137 करोड़, और 17% ऑफ पॉपुलेशन रखता है इंडिया, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में सिर्फ 0.8% का योगदान है अभी तक. तो आप समझ सकते हो कि आने वाले समय में कितना तेजी से इसकी ग्रोथ होने वाली है, बिकॉज इंडिया में जो इकोनॉमी डिस्टर्ब हुई है कोविड के रहते, इंडिया में जो एम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम है रहते, तो इंडिया में सबसे ज्यादा ग्रोथ के चांसेस इंडिया में है, और गवर्नमेंट ने भी इस पे वर्क करना शुरू कर दिया है, राइट? क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से इसमें, चलिए देखते हैं. इसके बारे में भी बात करेंगे. आपको बता दूं कि जब से कोविड आया है पिछले 1.5 साल से 97% लोगों को फाइनेंशियल इशू हुए, फाइनेंशियल क्राइसिस हुए. सिर्फ 3% लोग ऐसे हैं जो फाइनेंशियल क्राइसिस से बच पाए हैं, और उसमें भी अगर बताएं तो हमारी इंडस्ट्री ने, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ने सबसे ज्यादा ग्रोथ की है, और तीसरी वेव बाकी है. तीसरी वेव इज एक्सपेक्टेड इन एंड ऑफ अगस्त. तो एक और फाइनेंशियल डिजास्टर के लिए आप तैयार है क्या? आप बैठ के वेट करेंगे या आप आगे बढ़ेंगे नए जो अपॉर्चुनिटी है उसके साथ, जिसमें पूरा वर्ल्ड जिस इंडस्ट्री में ग्रो हो रहा है इस पेंडेमिक सिचुएशन में भी, क्या आप उसके लिए तैयार है? एक प्रोजेक्शन देखते हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का. केपीएमजी और एफआईसीसीआई की जो रिपोर्ट कहती है कि ये जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है आने वाले 4 से 5 साल में $1 बिलियन, मतलब 64,000 करोड़ की टर्नओवर करने वाली है. कैन यू इमेजिन कितना बड़ा होने वाला है ये इंडस्ट्री. तो बाकी इंडस्ट्री जो इसके कंपेयर में ग्रो नहीं होगी इतनी, और ये इतना ग्रो होने वाली है, तो आप कितना लेना चाहते हैं, आप कितना इसे पाना चाहते हैं, आपके ऊपर है, राइट? 60, ये देखिए फ्यूचर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री 65,000 करोड़. अब कुछ जो इनको मैं मानती हूँ, जिस लीडर्स को, जो बड़े बड़े लीडर्स है, डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद जो कहते हैं कि 21वीं सदी जो है, जो नेटवर्क मार्केटिंग इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस, एक बहुत बड़े विजनरी जिन्होंने ये पहले से कह दिया है कि ये फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस है आने वाली 21वीं सदी के लिए. जहां रॉबर्ट कियोस्की की बात करते हैं तो कहते हैं कि टाइम कंपाउंडिंग जो है सबसे ज्यादा इसी इंडस्ट्री में होता है, और सबसे ज्यादा पैसा इसी इंडस्ट्री में मिलेगा. वहां बिल गेट्स की बात करें तो बिल गेट्स कहते हैं कि अगर मुझे दूसरा चांस मिला तो मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में फिर से काम करना करूंगा, राइट? इफ आई वुड हैव गेट चांस टू स्टार्ट वंस अगेन, आई वुड चूज नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री. एंड हमारे प्राइम मिनिस्टर जी कहते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट इज बिगेस्ट कंसर्न इन इंडिया एंड रेस्क्यू इज डायरेक्ट सेलिंग. समझदार को इशारा क्या काफी है? आप खुद ही सोचिए, ये जो इतने बड़े बड़े लीडर्स है, इतने बड़े बड़े विजनरी है, इन सभी ने कह दिया है कि इस इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा ग्रोथ है. सो क्या हम इससे ज्यादा
सक्सेसफुल है, क्या हम इनसे ज्यादा नॉलेजेबल है? नहीं, तो क्योंकि सलाह उनसे ली जाती है जो सबसे ज्यादा सक्सेसफुल है। सो ये इंडस्ट्री के बारे में आप सभी का सुनेंगे, आप इनफैक्ट जो बड़े बड़े विवेक मित्रा जी का लगाया, संदीप माहेश्वरी जी, इन सभी के वीडियो देखोगे। सो ऑल लीडर्स बिलीव इन नेटवर्क मार्केटिंग एंड डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री फॉर फ्यूचर ट्रेंड्स एंड जो आने वाले समय में सबसे ज्यादा बूम करने वाली है। अब डायरेक्ट सेलिंग इतना मैं कह रही हूँ तो एक बार काफी नए लोग होंगे तो उनको आइडिया नहीं होगा होता क्या है डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आप जो करंट है, जिन्होंने कहा चेन है, तो चेन में क्या होता है कि आप ये देखिए, आप एक कंज्यूमर हो, आप सामान लेते हो रिटेलर से, फिर वो लेता है होलसेलर से, फिर डिस्ट्रीब्यूटर से एंड फिर कंपनी, और इनके बीच में आते हैं एडवर्टीजमेंट। सो जो सामान 33 रुपए का होता है मात्र, वो आप तक पहुंचते पहुंचते 100 रुपए का हो जाता है। क्यों? क्योंकि बीच में इतने सारे मिडिलमैन होते हैं जो काफी सारा इन्वेस्टमेंट करते हैं, काफी वर्क करते हैं, और उसके कारण आपको पे करना पड़ता है इन लोगों का पे आउट। क्या ये लोग आपसे ज्यादा अर्न कर कम अर्न करते हैं? क्या आप इनसे ज्यादा अर्न करते हैं? अगर आप 1 लाख रुपए कमा रहे तो आप 65 से 70 हजार रुपए इसीलिए अर्न करते हैं ताकि इनको पे कर सके। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री क्या करता है, आपको कनेक्ट करता है डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से, और एक सेविंग तो देता ही देता है, एक अपॉर्चुनिटी देता है कि ये लोग जो अर्न कर रहे हैं वो सारा का सारा पैसा आप खुद अर्न कर सकते हैं, वो अपॉर्चुनिटी देता है। चलिए आगे देखते हैं, इंडियन सिनेरियो क्या है। इंडियन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री राइजेस 30%, 13% ग्रोथ हुआ फाइनेंशियल 19 में इंडियन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का। और इंडियन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए जो हमारे नीति आयोग है उन्होंने क्या कहा है, देखिए, डायरेक्ट सेलिंग प्रोफेशनल आर डूइंग अ वेरी रेस्पेक्टिव प्रोफेशन, यू आर इकोनॉमिक ड्राइव ऑफ ग्रोथ फॉर इंडिया। इंडिया की इकोनॉमिक ड्राइव के लिए जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है एक बहुत बहुत बड़ा सपोर्ट कर रहा है। आप ही सोचिए, आज सिचुएशन ऐसी है जहाँ पे जॉब्स नहीं है, बिजनेस चालू करने के लिए, एक बिजनेस शुरू करने के लिए काफी पैसा लगता है, राइट? वो दोनों चीजें करने के लिए नहीं है, वही एक ऐसी इंडस्ट्री जहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं, कोई रिस्क नहीं, सिर्फ आपको डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से जुड़ना है, अपनी शॉप चेंज करना है और आपका बिजनेस शुरू हो जाता है। आप बन जाते हो एक डिस्ट्रीब्यूटर और आपको अथॉरिटी मिल जाती है कि फ्रेंचाइजी दे दे थ्रू आउट इंडिया में। तो उसके साथ साथ आप एक ऐसे मिशन में जुड़ जाते हो जहां आप अपने देश को एम्पावर करते हो, आत्मनिर्भर करते हो। आगे इसके बारे में बताएं तो इतना ग्रोथ हो रहा है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का, सर्टिफिकेशन कोर्सेस शुरू हो गए हैं, राइट? सर्टिफिकेशन डिप्लोमा कोर्सेस शुरू हो गए हैं। जैसे कि कहते हैं ना, परिवर्तन संसार का नियम है। आप ट्रेंड्स देखिए किस तरीके से ये इंडस्ट्री साइड ग्रो हो रहा है। ओवरऑल डायरेक्ट सेलर्स 5.7 मिलियन टू 5.1 मिलियन, राइट? पहले 5.1 मिलियन थे 2018-19 में, 5.7 मिलियन हो गए। और इंडस्ट्री साइज देखिए, 17-18 में 11,670 करोड़ और 18-19 में 13,000 करोड़, 13% का ग्रोथ। यहाँ मैंने आपको 13,000 करोड़ दिखाया, राइट दोस्तों? और जहां हम बात कर रहे हैं 2025 की, ये इंडस्ट्री हो जाएंगी 65,000 करोड़। मतलब आज से कितना ज्यादा ग्रोथ आने वाला है इस इंडस्ट्री में, कैन यू इमेजिन? सो ये संसार, परिवर्तन संसार का नियम है, तो परिवर्तन के साथ जुड़ना ही समझदारी है। करना क्या पड़ेगा, खुद को बदलना पड़ेगा। बी द लीडर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग, लीडर बन जाइए डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के, लीडर बन जाइए इंटरनेशनल। आप सोच सकते हैं, क्या आप आज सोच सकते हैं कि आप इंटरनेशनली बिजनेस करना शुरू करेंगे और वो भी विदाउट इन्वेस्टमेंट, विदाउट रिस्क? इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको दे सकता है जहां आपको कोई ऑफिस का टेंशन नहीं, आप घर बैठ के बिजनेस कर सकोगे। और जो आपके ड्रीम्स थे, जो आपके सपने हैं, फॉरेन ट्रिप, कार लेने के, अच्छी शॉपिंग की, अच्छे घर की, वो सब पूरी कर सकोगे। कन्वीनियंट फ्लेक्सिबल अर्निंग अपॉर्चुनिटी, उतना कमा सकते हो जितना आप सोच सकते हो, आप जितना सोच सकते हो उतना आप कमा सकते हो, उतना आप काम करिए। सभी को अपॉर्चुनिटी है इस बिजनेस में आगे बढ़ने की। बी योर ओन बॉस, कोई बॉस नहीं, आप डिसाइड करिए, आप काम करिए, आप ग्रो करिए,
ये इतना आपको पोटेंशियल देता है ये इंडस्ट्री। यहाँ देखिए सिप्सा, सिप्सा जो है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर डायरेक्ट सेलिंग, उन्होंने यहाँ पे बताया था नेक्स्ट बिगेस्ट थिंग हैपन विद डायरेक्ट सेलिंग इज हियर। इसके सर्टिफिकेशन कोर्सेस शुरू हो गए हैं दोस्तों ऑलरेडी इंडिया में, और उसके कुछ एग्जाम्पल मैं आपको दिखाने वाली हूँ। बिग मूव इन एकेडमी इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के साथ लॉन्च हुआ है, और पहला सर्टिफिकेशन कोर्स जिसकी कीमत लगभग लगभग 1 लाख रुपए है शुरू हो चुका है इंडिया में। मतलब लोग फिजिक्स चुनते थे, लोग जूलॉजी चुनते थे, केमिस्ट्री चुनते थे, अब चुनेंगे डिप्लोमा इन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री चॉइस, राइट। आने वाले समय में एक डिग्री होंगी एमबीए इन नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, डिप्लोमा इन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। एक छोटा सा वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी मैं, ये जो हुआ अप्रूव इसके बारे में वीडियो हम देखते हैं। और आज का दिन मेरे लिए बहुत ज्यादा इमोशनल है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये सपना पिछले 10 साल से लेके मैं चल रहा था कि और बहुत सारे लोगों का सपोर्ट इसमें मिला कि डायरेक्ट सेलिंग को एजुकेशन में किसी तरीके से लाया जाए। तो आप सभी के सपोर्ट से, आप सभी के सहयोग से ये पॉसिबल हो पाया, तो आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। मैं आपके साथ एक छोटी सी प्रेजेंटेशन शेयर करूंगा आपके साथ, आपको ये बताने के लिए कि ये सेटसा जो हमने इनिशिएटिव लिया है ये एक्चुअली क्या है। जस्ट गिव मी 1 सेकंड। सो जैसा आप देख रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन डायरेक्ट सेलिंग, ये फर्स्ट टाइम एक इनिशिएटिव है जो कि हमने लॉन्च किया है, और ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर डायरेक्ट सेलिंग इन अकेडमिक्स के अंडर आता है। तो आज मैं आपके साथ इस शुरुआत हो चुकी है, सही शुरुआत, जिस इंडस्ट्री के तरफ कुछ कदम बढ़े थे इंडिया, इंडियन गवर्नमेंट पूरी तरीके से उसकी तरफ अपने कदम बढ़ा चुकी है, राइट। डिप्लोमा कोर्सेज शुरू हो गए हैं उसके, आगे देखते हैं हम। अब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आए हैं तो आपके पास ऑप्शन है, या तो डिप्लोमा कोर्स कर ले या इसी इंडस्ट्री की जो सबसे बेस्ट कंपनी है उसके साथ जुड़ जाए और आप ऑटोमेटिक ग्रेजुएट बन जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको वो सब कुछ मिलेगा, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो शायद कहीं नहीं होता। क्योंकि चूज करना है तो बेस्ट चूज करें तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में ही जो टॉप की इंडस्ट्री है, टॉप की कंपनी है, वो है मोदी केयर। सोच रहे होंगे मोदी केयर क्या है भाई, अभी तक इन्होंने डायरेक्ट सेलिंग बताया, मोदी केयर क्या है? तो चलिए आपको मोदी केयर के बारे में बताते हैं। मोदी केयर जो है फास्टेस्ट ग्रोइंग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट कंपनी है इंडिया की। मोदी ग्रुप के बारे में बात करें तो 87 ईयर्स पुराना है, उससे ज्यादा हो गया है। 27 कंपनीज है मोदी ग्रुप की, 90 कंट्रीज में मोदी केयर का बिजनेस, 90 देशों में है। 3 जनरेशन से मोदी केयर इंडिया में है, और 65,000 मोदी ग्रुप जो है, मोदी ग्रुप का टर्नओवर 65,000 करोड़। एक बहुत बड़ा एम्पायर जिसके साथ आप जुड़ते हो जब इसमें आते हो। फर्स्ट इंडियन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी जिसने 25 साल कंप्लीट कर दिए, 25 ईयर्स दोस्तों, सिल्वर जुबली। अगर कोई कंपनी 25 ईयर्स से तेजी से ग्रो हो रहा है, इट मीन्स इट एक बहुत बड़ा ब्रांड है। इंटरनेशनल क्वालिटी के प्रोडक्ट 100% सेटिस्फेक्शन गारंटी देते हैं। यू कैन गेट अप टू 50-60% डिस्काउंट ऑन प्रोडक्ट्स एंड 62% पे आउट, जो मैंने बात की थी। प्रोडक्ट में डिस्काउंट भी ले सकते हो, 62% पे आउट भी ले सकते हो। अपॉर्चुनिटी स्टार्ट 0% इन्वेस्टमेंट, क्योंकि आप दुकान ही चेंज कर रहे हो, कोई अलग से इन्वेस्टमेंट नहीं है। थोड़ा ग्रोथ की बारे में बात करें मोदी केयर की, तो 2014-15 में जहाँ कहाँ जहाँ कंपनी का टर्नओवर 95 करोड़ था सिर्फ, वही कंपनी का टर्नओवर आज सिर्फ 10 दिन में 100 करोड़ से ज्यादा का है। दोस्तों पिछले साल जब कोविड में काफी कंपनियां बंद हो गई, काफी अनएम्प्लॉयमेंट हुए, वही मोदी केयर ने 157 नए प्रोडक्ट लॉन्च किए और पूरे वर्ल्ड में एक नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। आने वाले 5 से 6 महीनों में 50 नए प्रोडक्ट लॉन्च होने वाले। सोचिए फिर से थर्ड वेव आने वाली है, लेकिन हम फर्म है कि हम 50 नए प्रोडक्ट लेके आएंगे, और 7 नई कंट्रीज में मोदी केयर लॉन्च होने वाला है, यूके और 6 अलग अलग कंट्रीज। तो मैंने कहा आपका बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हो इंटरनेशनली आने वाले 6-7 महीनों में।
पर डे मोदी केयर में जो है 10,000 से ज्यादा कंसल्टेंट ज्वाइन हो रहे हैं और बहुत ही जल्दी मोदी केयर फॉर्च्यून 500 कंपनी में आने वाला है। सो सोचिए एक इतना बड़ा एम्पायर, इतना बड़ा ग्रुप और जिसका बेस इतना स्ट्रांग है, जिसकी ग्रोथ इतनी फास्ट है, उसके साथ अगर आप जुड़ जाते हो तो आपकी ग्रोथ कितनी होगी, राइट? इट इज एन प्राइड टू बी एसोसिएट विद दिस कंपनी। ये थोड़ा चार्ट में दिखाया है मोदी केयर की ग्रोथ जो मैंने आपको बताई थी, 95 करोड़ 2018-19 में 1000 करोड़ में पहुंच गया। एनुअल रेवेन्यू जो है 2000 करोड़, 40 लाख से ज्यादा कंसल्टेंट और पिछले चार साल में जो ग्रोथ है 72% का ग्रोथ, अगर हम इसी को कंसिडर करके कैलकुलेट करें आने वाले पांच साल में, तो जहां 2020-21 में टर्नओवर 2000 करोड़ का दोस्तों, वही 2024-25 में मोदी केयर का टर्नओवर होगा 32,000 प्लस करोड़। सो जो इंडस्ट्री है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का, उसका लगभग 50% होगा इस कंपनी के पास जिससे हम एसोसिएटेड है, राइट? फास्टेस्ट ग्रोइंग नंबर वन कंपनी इन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। देन जैसे कि मैंने आपको कहा था, विजुअलाइज करिए कि अगर आपको जॉब लगता है तो आप क्या पाओगे, क्या आपके सपने पूरे हो सकते हैं, आपकी अर्निंग क्या होंगी इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री और मोदी केयर में जब आप एसोसिएट होते हो, तो जिस तरह से लोगों की ग्रोथ हो रही है, जिस तरह से यहाँ एडुकेट किया जा रहा है, तो ये एक सर्वे के हिसाब से कैलकुलेट किया गया है कि जो स्टार्ट करेगा और 10,000 तक की जिसकी अर्निंग रहेगी, वो लगभग 5 से 10 लाख की अर्निंग में पहुंचेगा अगले पांच साल में। जिसकी 25,000 की अर्निंग है या 50,000 की, वो 10 लाख तक की अर्निंग में पहुंचेगा, और जिनकी अर्निंग 1 लाख रुपए है वो 15 से 20 लाख, और जिनकी 2 लाख रुपए है वो 30 to 35 लाख, एंड जिनकी 3 लाख है वो 40 to 50 लाख। तो इतना ह्यूज पोटेंशियल है। आपको सोचना है कि अगर आप जिस व्हीकल में अदर देन दिस व्हीकल जाने की प्लान कर रहे हो, सोच रहे हो, तो उस इंडस्ट्री में आने वाले पांच साल में आप कहाँ होंगे। पहले तो जॉब मिलेंगी या ना मिलेंगी, और मिलेंगी तो कितनी अर्निंग की मिलेंगी, और पांच साल में ये यहाँ पे फिगर है तो वहां क्या रहेंगे। बी विद द रियलिटी, बी विद द प्रैक्टिकल थिंग, एंड देन यू चूज योर व्हीकल, राइट? राइट एक्शन, राइट चॉइस इज वेरी इंपॉर्टेंट। थोड़ा सा और बताए कंपनी के बारे में, जो मोदी केयर है ग्रेट मिड साइज वर्क प्लेस, इनको अवार्ड मिला है ग्रेट प्लेस टू वर्क की तरफ से, 2021 में मिला, 2020 में भी मिला है। FMCG कंपनीज में टॉप 50 कंपनी के अंडर में आई है, टॉप 5 कंपनीज में है, राइट? और बेस्ट वर्क प्लेस फॉर वुमेन, वुमेन्स के लिए बेस्ट प्लेस फॉर वर्क है, राइट? 25 साल हो गए हैं। देन बिगेस्ट न्यूज, सेकेंड कंसिस्टेंट ईयर इन्होंने काम किया है, रैंक लिया है 5, अनस्टॉपेबल, और आने वाले नेक्स्ट ईयर में दोस्तों पक्का मोदी केयर विल बी नंबर वन इन कॉन्सिक्यूटिव 3rd ईयर में, देखिए मोदी केयर विल बी नंबर वन। आपको मिलेगा क्या, वॉट यू विल गेट, इंटरनेशनल क्वालिटी के प्रोडक्ट्स एंड सेविंग, वो तो मिलेगा ही, सिर्फ शॉप चेंज कर रहे हैं। फ्री ट्रेनिंग, इतनी अच्छी ट्रेनिंग होती है, हम जब कोई जॉब ज्वाइन करना रहता है तो हम पे करके ट्रेनिंग करते हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लासेस या जिससे रिलेटेड, जिस फील्ड से रिलेटेड हमको ज्वाइन करना रहता है बिजनेस, उससे रिलेटेड ट्रेनिंग लेते हैं काफी सारा, 50,000 1 लाख के कोर्स करिए और 10,000 की नौकरी पाइए, ऐसे काफी सारे रहते हैं ट्रेनिंग सेंटर, 1 लाख के कोर्स करिए और 10,000 की नौकरी पाइए। यहाँ पे आपको मिलेंगी फ्री ट्रेनिंग, फ्री पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो जाएगा आप जब ट्रेनिंग अटेंड करोगे, प्रेजेंटेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल आपका इम्प्रूव होगा, यू विल लर्न टाइम मैनेजमेंट आप सीखोगे, और काम करते करते जब आप ये काम शुरू करोगे, सीखोगे और सीखते सीखते आपको छोटा छोटा अर्निंग आ जाएगा, राइट? जिसको कहेंगे आपका पॉकेट मनी, पॉकेट मनी से आप अभी स्टूडेंट हो, सोचिए वो छोटे पॉकेट मनी से अपने मम्मी पापा के लिए छोटे छोटे गिफ्ट लेना शुरू करोगे, सीखते सीखते क्या मजा आएगा, राइट? जितना जल्दी आप सीखोगे, जितना फास्ट ग्रो करोगे, उतना ज्यादा आप अर्न करोगे। मैंने जैसे कि पहले भी कहा, यहाँ अर्निंग पे कोई कैप नहीं है, यहाँ ग्रोथ में कोई कैप नहीं है, आपका पैशन कितना स्ट्रांग है, आपको पाने की कितनी इच्छा है, उतना तेजी से आप ग्रो कर सकते हो। देन आप पा सकते हो फॉरेन ट्रिप्स, आपकी ड्रीम कार, ड्रीम हाउस, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, जो बचपन में वो बुक में मैंने दिखाए थे सपने, वो सारे सपने आप यहाँ पूरे कर सकते हो।
चलिए कुछ सक्सेस स्टोरी देखते हैं, इस इंडस्ट्री के कुछ सक्सेसफुल लोगों से मिलते हैं। ये देखिए, ये है अक्षी दत्ता जी, जिन्होंने 19 साल की एज में ये बिजनेस शुरू किया। पढ़ाई के लास्ट ईयर में रहते, ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर या सेकेंड लास्ट ईयर में उन्होंने तब शुरू किया दोस्तों। और इस बिजनेस से उन्होंने अपने पापा को बुलेट, मम्मी पापा को ब्रिजा कार दी, खुद के लिए 68 लाख की जगुआर खरीदी। आज शी गॉट मैरिड, मैरिज हो गई है और कुछ 6 साल हुए हैं उनको ज्वाइन किए ये बिजनेस, 6 से 7 साल। उनकी अर्निंग है 13,85,000 पर मंथ। स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स, आप सोचिए, आप कोई भी जो कर रहे हैं, कोई भी प्रोफेशन में जा रहे हैं, क्या आने वाले 5 से 6 साल में आप ये सारा कुछ कर सकते हैं क्या? थिंक अबाउट इट, राइट? ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो आपको ये सब कुछ दे सकता है। एक पोस्ट कार बुक की है जो 1,10,00,000 की है। देन यंगस्टर 26 साल के है जो एक स्ट्रीट वेंडर थे, सिर्फ 26 साल के है, स्ट्रीट वेंडर थे, थोड़ी पढ़ाई वढ़ाई की और सोचे थे जिंदगी सिर्फ पेपर बेचने और छोटा स्टॉल चलाने में चली जाएंगी, लेकिन इन्होंने ये अपॉर्चुनिटी में जुड़े और आज लगभग 6.5 लाख की अर्निंग ले रहे इस बिजनेस से, मोदी केयर बिजनेस से। फिर हम साउथ में चलते हैं, तो साउथ में तो आपको बता दूं, साउथ के देखिए, हमारे जो है श्री मंजुनाथ शेट्टी एंड संतोष शेट्टी, मंजुनाथ शेट्टी की अर्निंग 14 लाख रुपए, संतोष शेट्टी 18 लाख। साउथ के बारे में ये चीज काफी फेमस है, साउथ में स्टडी को बहुत इंपॉर्टेंस दिया जाता है। फिर डायरेक्ट सेलिंग क्यों? साउथ में आप सभी लोग देखते होंगे स्टडी को, पढ़ाई करनी है, पढ़ाई सबने करनी है, लेकिन यहाँ उन्होंने सीख लिया कि जो पढ़ाई करके फॉरेन जा रहे थे, वहां पे चेक किया, आप फॉरेन जाने के बदले मोदी केयर ज्वाइन होते और इस इंडस्ट्री में ज्वाइन होके लाखों रुपए कमाते। ऐसे ही एक रघुवेंद्र जी है इसमें, जिन्होंने इंजीनियरिंग का जॉब छोड़ के ये बिजनेस शुरू किया और सिर्फ 3 साल में 7.5 लाख से ज्यादा की अर्निंग ले रहे हैं। आप इनको देख सकते हो, ये आईटी इंडस्ट्री से है। जिशाद बकर जी, इनके सारे दोस्त दुबई और यूएस गए जॉब करने के लिए, लेकिन इन्होंने यहाँ पे अपना बिजनेस किया, सॉफ्टवेयर में थे, अपना पर्सनल बिजनेस संभाला। बिजनेस करते करते ये इस अपॉर्चुनिटी से जुड़े दोस्तों। आज उनके सभी दोस्त, उनके जो फ्रेंड फॉरेन में जॉब कर रहे थे, उनसे कई ज्यादा जिशाद बक्कर अर्न कर रहे हैं मोदी केयर से। निशांत भार्गव जी एक डायनामिक यंग लीडर है, 26 ईयर्स की एज है इनकी और थर्ड जनरेशन है नेटवर्क मार्केटिंग में। इन्होंने भी MBA किया है और गोदरेज कंपनी में टॉप लेवल के लेवल पे काम भी किया है और उसके बाद अब मोदी केयर बिजनेस कर रहे हैं। 18 लाख से ज्यादा का पे आउट कर ले रहे हैं और इनकी फैमिली पर मंथ की अर्निंग है 1,27,00,000 रुपीज। कुछ हम अपने टीम से बताते, अपने बारे में शेयर करूं दोस्तों, तो मैंने ये बिजनेस शुरू किया था जुलाई 2019 में, 27 जुलाई, और आप देख सकते हो लॉकडाउन के समय जो अर्निंग था 12,467 रुपए, और टेक्नोलॉजी का बेनिफिट लिया, घर रह के आराम से पूरे इंडिया में काम किया, जहां पूरा सबके जॉब जा रहे थे, उसी समय हमने टीम को एडुकेट किया, ग्रो किया और 5 महीने में अर्निंग 1,41,000 हो गया। सितंबर में अर्निंग 1,41,000, देन उसके बाद टाटा हैरियर कार ली, 25 लाख रुपए की टाटा हैरियर कार इस बिजनेस से हस्बैंड को गिफ्ट दी नवंबर में। आज जो अर्निंग ले रहे हैं, 2,61,000 का अर्निंग इस बिजनेस से आ रहा है, 2,61,000 नॉट इवन 2 ईयर कंप्लीटेड। मेरे पूरे आईटी के कैरियर में, 15 साल के कैरियर में मैंने जितना अर्न नहीं किया पर मंथ का, उससे कई ज्यादा इस इंडस्ट्री से मिल रहा है, राइट? बिकॉज अगर आप सही इंडस्ट्री के साथ सही समय में रहोगे, सही तरीके से काम करोगे, सो यू कैन ग्रो वेयर एवर यू वॉन्ट, स्काई इज द लिमिट, राइट? ये कुछ एग्जाम्पल्स है, जो लास्ट मंथ मे का पे आउट आया, फिर आप देख सकते हो इस मंथ का पे आउट आया 2,61,000। ये मेरी फ्रेंड है, आप इनसे मिले स्टार्टिंग में, मास्टर ऑफ सेरेमनी संगीता विश्वकर्मा जी। ब्यूटी, देखो उन्होंने स्टडी कहाँ की, ब्यूटी इंडस्ट्री में काम किया, क्योंकि जो इंडस्ट्री में स्टडी की वहां पे कोई स्कोप नहीं मिला जॉब का। 12 साल ब्यूटी इंडस्ट्री में काम किया और दूसरे इंडस्ट्री में, और उस 12 साल में जो उनका अर्निंग था
उससे ज्यादा उन्होंने रिप्लेस कर लिया इसी महीने दोस्तों। इस बिजनेस से मिलेनियर है, फॉरेन ट्रिप अचीव की, कार बुक की है और अर्निंग देखिए, किसी को इतना ग्रोथ मिलता है क्या? आपके जॉब में इतना ग्रोथ मिल सकता है? लास्ट मे का पे आउट 1,17,000 और 50,000 का जंप एक ही महीने में, ये सिर्फ ये इंडस्ट्री देता है। ये सिर्फ आपका पैशन पाने की कितनी भूख है तो ये इंडस्ट्री देता है। 1,65,000 रुपए, जोरदार तालियां राइट इनकी जबरदस्त ग्रोथ के लिए। एंड कैसे ज्वाइन करना है? आई होप आप सभी को लग रहा होगा कि अब रोशनी जी बताइए कैसे करना है। बिल्कुल बहुत सिंपल है, कोई ज्वाइनिंग फीस नहीं है। रजिस्ट्रेशन करके आप डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हो। आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड लगेगा और आप अपना बिजनेस सिर्फ और सिर्फ घर के सामान जो हम लेते हैं आपके ऊपर है, आप कितने का लेते हैं, 3,000, 5,000, 14,000 जो भी है। आपको बिजनेस कितने बड़े लेवल पे करना है, ग्रोथ कितनी बड़ी करनी है, उस हिसाब से ग्रो होगा। एंड याद रखिए, रिमेम्बर अ जर्नी ऑफ 1,000 माइल्स स्टार्ट विद द फर्स्ट स्टेप। हजारों मील की जर्नी फर्स्ट स्टेप से स्टार्ट होती है। तो दोस्तों कदम बढ़ाइए। 3 क्वेश्चन, अगर मोदी क्या नहीं तो क्या, इफ नॉट मी, अगर आप नहीं तो कौन, आपकी फैमिली में कौन करेगा इस अपॉर्चुनिटी के लिए? आपका भविष्य है, आपको चूज करना है, आपको करना है राइट। तो डिसीजन भी आपका होगा। इफ नॉट नाउ देन व्हेन, एक बात लाइफ में कभी भी समझ लीजिएगा, कल कभी नहीं आता। जो ये सोचते हैं कि कल करेंगे तो याद रखिए कल कभी आया है? हाँ जी, कल कभी आया है? मेरे ख्याल से तो नहीं आया, मेरा तो कभी नहीं आया। जो मैंने किया आज ही किया है, कल करने पर कल कभी नहीं आता। आज डिसीजन लीजिए, जिन्होंने बुलाया है उनके साथ बैठिए, डिटेल जानिए के बाद और एक मीटिंग करिए और आगे इस पे ग्रो करिए। याद रखिए, यू डोंट हैव अ चॉइस, चेंज तो करना ही पड़ेगा। जिसने भी चेंज करने से मना किया उसकी ग्रोथ रुक गई, चाहे वो नोकिया हो या कोई भी बड़ी कंपनी हो, जिन्होंने चेंज नहीं किया वो खत्म हो गए। सो अगर आपको अपने फ्यूचर में, अपने जिंदगी में ग्रो करना है तो चेंज करना जरूरी है। You want to achieve what you have never achieved, then you have to do what you have never done. Thank you so much, everyone. Right, time to make the right move. सही कदम बढ़ाइए सही दिशा में और decision लीजिए। एक ऐसी industry में जाइए जो आपकी जिंदगी पूरी तरह बदल सकती है। So thank you so much. और मैं इसको वापस संगीता जी को देती हूँ और बिल्कुल रुकना है क्योंकि आज आपको हम ऐसी पर्सनालिटी से मिलाने वाले हैं जो एक यंग डायनामिक लीडर है और एक बहुत बड़े रोल मॉडल है सभी यंगस्टर्स के लिए। तो जरूर उसे सुनेंगे, उनसे मिलेंगे। उनको बुलाने के लिए मैं, संगीता जी, ओवर टू यू एंड लेट्स वेलकम अवर गेस्ट ऑफ द। यस, थैंक यू सो मच रोशनी जी, इट वॉज अ वंडरफुल सेशन। कैसा लगा दोस्तों? अगर घर की दुकान चेंज करने से लाखों रुपया कमाया जा सकता है सिंपल वे में बता रही हूँ, तो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? हर किसी को करना चाहिए दोस्तों। जैसे रोशनी जी ने बताया कि अगर आप चेंज नहीं होगे तो दोस्तों आज आपके पास चॉइस तो है, बट आने वाले समय में आपके पास चॉइस नहीं रहेगा, आपको करना पड़ेगा राइट। सो दोस्तों इसी सेशन को और आगे ले चलते हुए दोस्तों मैं अब बुलाना चाहूंगी एक ऐसी पर्सनालिटी जो अभी यंग, कहते ना कॉलेज से बच्चा जब निकलता है तो बस उनको सोच रहती है ये करूंगा वो करूंगा, अभी तो उन्होंने बाहर ही नहीं रखी कहते ना कदम। लेकिन एक ऐसी पर्सनालिटी जो जस्ट कॉलेज, कहते हैं ना एमबीए कर रहे हैं ठीक है, और उसके साथ अपने डैडी, उनके डैडी जो हैं वो बहुत ही बड़े डायनामिक लीडर हैं, जिमिडी हैं इस बिजनेस के, मोदी केयर बिजनेस के, और उनके बेटे उनके साथ इस बिजनेस में उनकी शुरुआत कैसे हुई और उन्हें क्या चीज अट्रैक्ट कर गई, आइए उन्हें। बिकॉज आज जब हम किसी को डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बताते हैं तो उनको लगता है यार अभी तो मेरा करियर शुरू हुआ है, तो वो इस बिजनेस को सेकेंडरी या मतलब कहते हैं बहुत कोने में रख देते हैं, उनके लिए अभी भी डॉक्टरी, इंजीनियरिंग, आईटी, ये फील्ड सामने आती है। तो आज हम उनको बुलाते हैं, ऐसे लीडर को जिन्होंने इस फील्ड को चूज किया है कि नहीं मुझे इसमें अपना करियर परस्यू करना है। सो आइए बुलाते हैं उज्ज्वल खरकवाल जी को। उज्ज्वल जी प्लीज आइए और यहाँ पे जो इतने सारे लोग हैं उनको बताइए आपको क्या अट्रैक्ट किया इस बिजनेस ने और किस तरह से आप इस बिजनेस को देख रहे हो। वेलकम सर। वेलकम उज्ज्वल जी। थैंक यू एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे स्लैक्स माना कि मैं आपकी मीटिंग में आ सकूं। सो पहले तो मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम उज्ज्वल खरकवाल है।
करंटली नारसी मुंजी कॉलेज मुंबई से अपना एमबीए परस्यू कर रहा हूँ। जैसे मैम कह रही, कॉलेज के साथ इस बिजनेस को बिल्ड कर रहा हूँ। जी हाँ, बात करें डायरेक्ट सेलिंग की, जैसे हम आज पूरी मीटिंग में हमने देखा ग्रोथ किस लेवल की है, क्या फ्यूचर है इसका, तो यही चीजें थी जो मुझे अट्रैक्ट करी। और सबसे बड़ी बात थी कि मेरी फर्स्ट जनरेशन, मेरे फादर इसको ऑलरेडी बिल्ड कर रहे थे। एक बेनिफिट मैं आपको बताता हूँ कि कभी कोई अगर इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हो, उसका बेनिफिट क्या मिलता है कि सेकंड जनरेशन को क्लैरिटी मिल जाती है, इससे बड़ा फ्यूचर कहीं नहीं हो सकता। अगर हम बात करें, एक दुकान भी हम खोलते हैं, कोई रेस्टोरेंट भी हम ओपन करते हैं ना, स्टार्टिंग में इन्वेस्टमेंट लगती है, 25-30 लाख रुपए लगता है, और उसका हम परसेंटेज में कमा रहे होते हैं। अगर 25 लाख इन्वेस्ट किया था, हम 10% अर्न कर रहे होते हैं और हर महीने रिफिल करनी है इन्वेस्टमेंट। बट डायरेक्ट सेलिंग ऐसी इन्वेस्ट है जहाँ पे आपको बिल्कुल इन्वेस्टमेंट नहीं करनी होती। अपना रोजमर्रा का सामान जब आप ले रहे होते हो, उसी पर जब आपको पैसा मिलता है, तो आपको स्ट्राइक करती है यार, इस इंडस्ट्री में तो कुछ खास बात है। और जब मैंने स्टडी किया और पाया, क्योंकि जब हम डायरेक्ट सेलिंग की बात करते हैं, बहुत ज्यादा सक्सेसफुल लीडर्स की बात करते हैं, तो एक प्रोसेस होती है उसकी, और प्रोसेस फैमिली देख ली होती है, और वही प्रोसेस मैंने देखी कितना मेजर चेंज आ गया। अगर हम बात करें, कुछ चीजें होती हैं जो हम मानते हैं कि ना ओवर एक्सपेंसिव है, कि ये हमारी लिमिट से बाहर है, जिसकी मैम ने कहा अपनी चादर के अंदर रहने वाली हम बात करते हैं। एक्चुअल में होता है कि चीजें महंगी सस्ती नहीं होती, हमारी पॉकेट डिसाइड करती है महंगी है सस्ती है। हम देखते हैं किसी सेलेब का बच्चा है, अभी पैदा ही हुआ है, 6 महीने का है, 6 महीने का होगा, बड़ा होगा तो कपड़े छोटे पड़ जाएंगे, फिर भी वो 12-15-25 हज़ार रुपए कपड़े पहना रहे होंगे। क्यों पहना रहे हैं? क्योंकि सिंपल सी बात है, अफोर्ड कर सकते हैं, इसीलिए उनके लिए महंगा नहीं है। हम क्या सोचते हैं, क्योंकि देखिए हमारी टिपिकल थिंकिंग है कि 6 महीने बाद तो छोटे हो जाने वाले कपड़े, क्यों इन्वेस्ट किया जाए इतना ज्यादा इन कपड़ों के ऊपर। सेम थिंकिंग रहती है, सब जगह रहती है। बट जैसे आप डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आते हैं, इस इंडस्ट्री में आते हैं, तो आपकी पैसे सबसे बड़ी जो चीज बदलती है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो ज्यादा लोग अपने जीवन में नहीं बदल पाते, आपकी सोच होती है। आप दूसरे नजरिए से देखने लग जाते हैं डायरेक्ट सेल्स, और इसी तरीके से डायरेक्ट सेल ने मेरा नजरिया बदला। इसी तरीके से मैं इस इंडस्ट्री में आया, इस इंडस्ट्री को मैंने ऑब्जर्व किया, स्कूल से ऑब्जर्व करा। जैसे मैम ने कहा इंक्रीमेंट रहता है, तो मैंने इंक्रीमेंट होते हुए देखा, साल साल में लाख लाख रुपए मंथली का इंक्रीमेंट हो रहा था, जबकि जॉब में अगर हम बात करें तो साल में इंक्रीमेंट 10% मिलता आपकी एक्चुअल सैलरी पे। इस चीज ने जो था मेजरली मुझे अट्रैक्ट किया। और जितने भी लोग जो फर्स्ट जनरेशन से जो अपना स्टार्ट देख रहे हैं, अपना फ्यूचर देख रहे हैं, आप सब बहुत लकी हैं, मुझसे ज्यादा लकी हैं। इसका सिंपल सा रीजन ये है कि मेरे फादर ने एक अपनी फैमिली में ना एक दर्जा रख दिया है कि ये चेंज करके गए हैं, लाइफस्टाइल चेंज करके गए हैं, जीने का तरीका बदल दिया है, इन्होंने अपनी फैमिली में एक मेजर माइलस्टोन अचीव कर लिया है, और मैं तो उसे आगे बढ़ा रहा हूँ। बट आपके पास मौका है कि आप वो माइलस्टोन बन पाओ। जी हाँ, हमारे फादर ने जो हमको दे सकते थे बेस्ट दिया, नो डाउट, जहां भी अभी हम हैं उनका बेस्ट दिया हुआ है उसके कारण है। बट ये हमारा टाइम आ चुका है, अपॉर्चुनिटी हमारे पास है कि उनको बेस्ट दिया जाए, जहां घूमना चाहते हैं कोई भी दिक्कत ना आए। जैसे क्या होता है, हम फैमिली के संग अभी भी जाते हैं, हम ऑब्जर्व करते हैं, प्राइस टैग पे पहले ध्यान जाता है, तो इस काबिल हम बन पाए कि प्राइस टैग पे जाने से पहले वो चीज उठा के आप बास्केट में डाल दो। ये हर किसी का सपना होता है, इसी के लिए हर कोई वर्क कर रहा है। पर ग्राउंड रियलिटी है कि जॉब में पॉसिबल नहीं है। जी हाँ, ये जॉब में पॉसिबल नहीं है। मैं अगर हो सके तो मैम एक स्क्रीन शेयर करके आपको छोटी सी एक हाइलाइट दिखाना चाहूंगा, क्या होता क्या मामला। ओके, उज्ज्वल जी, मेरी स्क्रीन दिख रही होगी मैम? यस। तो 5 मिनट की बात है, तो आपका ना 5 मिनट 100% अटेंशन रिक्वायर्ड होगा। यहाँ पे कुछ चीजें फैक्ट्स हैं जो जाननी जरूरी है, जो कोई हमें बताता नहीं है। तो बात कर लेते हैं, पहले इंडिया की बात कर लेते हैं। अगर इंडिया में आपको ना 1% माना सबसे कम प्राइस लगता है, जहाँ इंडिया सबसे चीपेस्ट कंट्री, अगर आपको 1% माना, मतलब वो 1% लोग जो इंडिया में सबसे ज्यादा कमा रहे हैं, उसके लिए आपको साल में मोटा मोटा 60 लाख रुपए कमाने की जरूरत होती है, 57 लाख अप्रोक्स अगर हम ले एग्जैक्टली, और महीने में कन्वर्ट करते हैं 4.5 लाख रुपए से ऊपर की वैल्यू। ये रिक्वायरमेंट है इंडियन की जो 1% में आना चाहता है। और हम देख रहे हैं मोदी के ना बहुत ज्यादा एग्जांपल है। अगर मार्केट की बात करूं, अगर 1% के ये हाल है, तो एक चीज तो हमें समझ में आ जानी चाहिए कि हमारे आसपास में लोग नहीं कमा रहे इतना, क्योंकि ये इंडिया का 1% आता है। दूसरी बात करते हैं इंडिया की सिचुएशन की। देखिए रियलिटी हमें जाननी जरूरी है, हम मार्केट की बात करते हैं तो रियलिटी है कि इंडिया की 91% पॉपुलेशन, जी हाँ 91% पॉपुलेशन जो है, अपने लाइफ में कभी भी 7.5 लाख रुपए से ऊपर की वेल्थ नहीं बना पाती। और यही मेजर रीजन है कि कभी सेकेंड जनरेशन को मनी ट्रांसफर नहीं हो पाता। फर्स्ट जनरेशन स्ट्रगल करती है, अपने बच्चों की एजुकेशन पूरी करती है, छोटे मोटे सपने पूरी करती है, सेकेंड जनरेशन में निर्भर होती है, सेम चीज रिपीट होती है। कभी ऐसा नहीं हो पाता कि फर्स्ट जनरेशन हसल करे और सेकेंड जनरेशन उसको अर्न करे। और कभी ऐसा होता है तो क्या होता है, सबसे मेजर ये होता है कि हसल जो फर्स्ट जनरेशन करके एंजॉय नहीं कर पाती, पर डायरेक्ट सेलिंग मोदी का ऐसा बिजनेस है कि 3-4 साल की हसल के बाद आप खुद भी एंजॉय कर रहे होते हैं। जबकि चाइना और यूएसए की अगर हम बात करें, वहां ज्यादा पैसा कमाने वाले ज्यादा लोग हैं, ज्यादा पैसा बनाने वाले ज्यादा लोग हैं, इसीलिए उनकी लाइफस्टाइल भी बेटर है। और जैसे कि आपने चार्ट देखा कि चाइना और यूएसए में डायरेक्ट सेलिंग भी सबसे ज्यादा परफॉर्म की जाती है, यूएसए में सबसे ज्यादा है,
चाइना में उस रेशियो में सेकंड नंबर पर, और इंडिया तो कहीं आता ही नहीं, इसीलिए वहां पे बेटर अर्निंग फोर्सेस है। तो कंडीशन तो वर्स्ट है, और मार्केट कंडीशन की बात करें, अभी लॉकडाउन लगा हुआ है, हर एक सेक्टर हिट हुआ है, किसी भी सेक्टर में इन्वॉल्व होना चाहते हैं, देखें हाल क्या हुआ है, अभी हर सेक्टर हिट हुआ है, चाहे आप इंटरनेट बिजनेस ले लो, रियल एस्टेट ले लो, टूर एंड ट्रेवलिज्म ले लो, लास्ट ईयर की फिगर है, इस साल की फिगर और डीप रेड गए हुए हैं, हर एक सेक्टर हिट हुआ, कोई भी सेक्टर उठा के आप देख लो, गवर्नमेंट सेक्टर जिसे हम सेफ मानते हैं, उस सेक्टर में भी लोगों ने पैसे को लेकर दिक्कत महसूस करी, लोगों की 3-4 महीने की सैलरी होल्ड पे आ गई, तो रिसेशन प्रूफ सेक्टर ढूंढने की जरूरत है। बेसिक मैं आपके सामने रखा, हमारे पास ऑप्शन क्या है, डायरेक्ट सेलिंग अगर हटा भी दें, इन जनरल हमारे पास ऑप्शन क्या है, या तो एजुकेशन फील्ड में जा सकते हैं, हेल्थ एंड वेलनेस में जा सकते हैं, एफएमसीजी में जा सकते हैं, एजुकेशन में मेजर पैसा रिक्वायरमेंट है, हेल्थ एंड वेलनेस में भी बड़ा कैपिटल रिक्वायर्ड है, बट एफएमसीजी सेक्टर ऐसा है जहां पे हर कोई जा सकता है, और सबसे अच्छी बात है सेक्टर हर सिचुएशन में ग्रो करता है, क्योंकि एसेंशियल सर्विस हमको अगर याद है लास्ट स्ट्रिक्ट लॉकडाउन में एक्टिव थी, मतलब ये तो लोगों की जरूरत है, अगर आदमी का पैसा नहीं है ना, इधर उधर से हाथ पैर मार के भी अपने डेली नीड के प्रोडक्ट लाएगा ही लाएगा, तो जिस एकमात्र सेक्टर ने लॉकडाउन में ग्रोथ दिखाई वो डायरेक्ट सेल्स है, जी हाँ, जब सारे ग्राफ शो कर रहे थे, अब ये समझाने की जरूरत नहीं है, हर कोई समझ जाएगा, जिस सेक्टर ने लॉकडाउन में 40% की ग्रोथ दिखाई, सोचिए कितनी स्टेबिलिटी है, इसी पॉइंट ने मुझे अट्रैक्ट किया कि इस सेक्टर ने जब हम घर के अंदर बंद है तब भी 40% की ग्रोथ दिखाई है, 2 महीने से हम अपने होम टाउन में घर से बाहर नहीं निकले हैं, फिर भी हमारा पे आउट बढ़ रहा है, फिर भी चेक्स लगातार आ रहे हैं, इस सेक्टर ने मुझे अट्रैक्ट किया, और इस सेक्टर को मैक्सिमम जो यूथ हमारे संग आया है उसको अट्रैक्ट करना चाहिए कि एक्टिव इनकम के पीछे नहीं जाना है, हमें पैसिव इनकम के ऊपर जाना है। इंटरनेशनल लेवल पे 192 का ऑलरेडी $1 billion में टर्नओवर कर रहा है, फिल्म मूवी इंडस्ट्री से बड़ा इंडस्ट्री हो चुका है, अगले 5 साल में $1 trillion का हो रहा है, $400 billion कमीशन बटने वाला है हम लोगों में, और इंडिया अभी है डायरेक्ट सेलिंग का बेस्ट प्लेटफॉर्म। एक सवाल मेरा आप सभी से, आप सबको खुद को जवाब देना है, किसी भी इंडस्ट्री में इन्वॉल्व होने का सही टाइम कब होता है, ये मैंने अपने आपसे पूछा था, वही आपको अपने आपसे पूछना है, जब वो इमर्ज कर रही होती है, राइजिंग फेज पे होती है, जब राइज कर जाती है तब हमें प्रॉफिट होता है, नहीं होता है, तब हमें प्रॉफिट नहीं होता क्योंकि वो जितना पोटेंशियल था यूज हो चुका है। एग्जाम्पल है LIC सेक्टर, जब स्टार्टिंग में इंडिया में आया था, जिस व्यक्ति ने भरोसा दिखा के अपनी LIC कराई, जो उसके परिवार ने उस टाइम बेनिफिट लिए, आज हम इमेजिन नहीं कर सकते हमें मिल जाए, क्योंकि वो एस्टैब्लिश सेक्टर, आज प्राइवेट सेक्टर उसमें आ चुका है। सेम बैंकिंग सेक्टर की बात करूं, जिस व्यक्ति ने बैंकिंग सेक्टर में भरोसा दिखा के पैसा इन्वेस्ट करा, पैसा रखा अपना, जो इंटरेस्ट उसने अर्न करा आज नहीं कर सकते हम। आज हमें FDs में 4-5% इंटरेस्ट मिल रहा है, 2-3 साल पहले की बात करूं तो इतना तो हमें सेविंग्स में मिलता था। तो कंडीशन इस हिसाब की है, और ये सेक्टर इमर्ज कर रहा है, 100 टाइम पोटेंशियल है। कोई व्यक्ति अगर आज घुस गया, आज अगर कोई व्यक्ति सोचे अगर ₹1000 भी अर्न कर रहा है तो 100 टाइम पोटेंशियल है, वही चेक 1000 से बढ़ के 1 लाख पहुंच जाएगा, इतना पोटेंशियल डायरेक्ट सेल में। इस पॉइंट ने मुझे अट्रैक्ट किया, और यही पॉइंट मेरे हिसाब से आप सबको अट्रैक्ट करना चाहिए, क्योंकि आज रेगुलेशन आ चुके हैं, फिक्की गाइडलाइंस ला चुकी है, नीति आयोग जैसे मैम ने बात करी, प्लानिंग कमीशन ला चुका है इसके ऊपर रूल रेगुलेशन, कॉलेजेस में पढ़ाया जाने लग गया है, और सबसे बड़ी बात यह है, एक जैक मा आपने सुना होगा, चाइना के सबसे मशहूर बिलियनर अब सेकंड नंबर पे आ चुके हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि इफ यू पुट बनानास एंड मनी इन फ्रंट ऑफ अ मंकी, जो मंकी होगा बनाना चूज करेगा, क्योंकि उसे पता नहीं है कि पैसे से ज्यादा बनाना खरीदे जा सकते हैं, बट इन रियलिटी वही वाली बात है, जब किसी के सामने हम जॉब रखते हैं और बिजनेस अपॉर्चुनिटी रखते हैं तो व्यक्ति क्या करता है, जॉब चूज कर लेता है, जबकि हम सबको पता है कि बिजनेस ज्यादा पैसा देगा, प्रॉफिट इज वे बेटर देन वेजेस, फॉर वेजेस यू मेक योर लिविंग बट प्रॉफिट यू कैन ब्रिंग यू अ फॉर्चून, प्रॉफिट हमें फॉर्चून ला सकता है, बट जो वेजेस है हमारे उसमें सिर्फ हमारे घर चलेंगे, और ये सच्चाई है, और ये हम सबके संग हो रहा है, हम सब ने देखा है, हमारी जनरेशन करते हुए आ रही है ये चीजें, और यही हमारे संग हो रहा है, तो हम कैसे अलग होंगे, यही चीजें हम सब रिपीट होने वाली है, बस ये कि सच्चाई को अपनाना पड़ेगा, ये रियलिटी पे जाना पड़ेगा। अब जो भी लोग यहाँ पे आज आए हुए हैं, जो यंगस्टर है मेरे बीच में, मैं चाहूंगा इंटरनेट में टाइम गुजारिए, जी हाँ, सोशल मीडिया का राइट यूज कीजिए, और देखिए किस सेक्टर में कितनी ग्रोथ है, किस सेक्टर में कितना पोटेंशियल है, जिस सेक्टर में आप इन्वॉल्व होने जा रहे हो, किसी ने 25 साल दिए तो कितना अर्न किया है, इतना मैं बता सकता हूँ, मोदी गवर्नमेंट किसी ने अगर 25 साल दिए तो 1.2 CR कमा रही है वो लेडी मंथली। तो इतना बड़ा प्लेटफॉर्म अगर हम सबको मिला है, इतना क्लियर विजन है, इतनी क्लियर प्रेजेंटेशन थी, इतने क्लियर आपको ग्रोथ दिखाए चेक्स के थ्रू, मेरे हिसाब से कोई रीजन नहीं बनता मना करने का, और मेरे ख्याल से कोई रीजन नहीं बनता मोदी केयर को मना करने का, क्योंकि सबसे पुरानी कंपनी, जी हाँ, पहली कंपनी है इंडिया की जिसने 25 साल पूरे करें, और किसी फादर को इस सेक्टर में इतना बिलीव है कि उसने अपने बच्चे को यहाँ पे इन्वॉल्व किया है। अगर कोई पेरेंट देख रहा है तो मैं आपसे कहना चाहूंगा, अगर मेरे फादर मुझ पे इस कंपनी पे इतना बिलीव करते हैं कि मुझे इन्वॉल्व किया है, तो कोई डरने की जरूरत नहीं, 25 साल से चल रही है, आगे भी चलेगी, क्योंकि एक एंटरप्राइजेस है, आजादी से पहले के उद्योगपति हैं, और हिंदुस्तान को फाइनेंशियली आजाद करने पे पड़े। तो थैंक यू वेरी मच मैम, सुपर सुपर अमेजिंग उज्जवल, थैंक यू सो मच।
इतना बढ़िया, देखिए हमारे छोटे से ही है, हमारे सामने तो आप छोटे बच्चे ही हो, मतलब छोटे भाई जैसे ही हो, और इतना नॉलेज, इतना कुछ सीख लिया है, और डेफिनेटली आपका अर्निंग भी बहुत तेजी से ग्रो हो रहा है, एक इंडस्ट्री, पापा ने सारी चीजें पूरी तो कर दी लेकिन एक बढ़िया नॉलेज, आपको कैसा फील होता होगा ना उज्जवल, कि यार सारे जो सपने थे जो चाहो वो पूरे हो रहे, जो चाहिए वो पूरे हो रहे, पापा ने भी पूरे कराए और आप आगे जाके उससे 10 गुना करने वाले, राइट? बिकॉज ये चीजें हम देख सकते हैं कि हम लोग भी अपने बच्चों की आंखों में वो खुशियां देखते हैं जब हम लोग इस बिजनेस में काम कर रहे हैं और उनके सपने पूरे कर रहे हैं। उज्जवल आज यहाँ आने के लिए और पूरी टीम को इतना सारा एडुकेट देने के लिए और जितने भी यंगस्टर्स हैं उनको नॉलेज देने के लिए इस इंडस्ट्री के बारे में, थैंक यू सो वेरी मच उज्जवल। एंड 5 मिनट बने रहिएगा, ओवर टू यू संगीता जी, एंड वी विल कॉल सम ऑफ अवर टीम मेंबर फॉर शेयरिंग। ओके, थैंक यू सो मच उज्जवल जी, वाकई आपने इतना अच्छा मार्गदर्शन किया था ना, यंगस्टर की जो एक फोबिया रहती है, माइंड सेटअप सही नहीं, कई बार है ना डायलेमा में रहते हैं लोग कि करें, कई बार मुझे एक मैंने भी बहुत समय पहले सुना था मोदी केयर से पहले कि जिसको कुछ नहीं आता, जो कुछ नहीं कर सकता वो नेटवर्क मार्केटिंग करेगा, बट आज जो आपने नेटवर्क मार्केटिंग का संविधान या उसका व्यू जो चेंज किया है, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम, और आप कुछ हमारे लीडर्स हैं ऐसे जिनको मैं बुलाना चाहूंगी, सो सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगी संदीप अरोरा जी को जो क्राउन डायमंड डायरेक्टर है, 2021 महीने में 2 लाख 2.5 लाख से ऊपर का चेक ले रहे हैं, सो वेलकम संदीप जी। थैंक यू सो मच संगीता जी, थैंक यू सो मच फॉर सच अ वार्म वेलकम, गुड मॉर्निंग एवरीवन, नाम संदीप अरोरा, बाय प्रोफेशन इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर एंड वाइफ रोशनी के साथ बहुत ही पैशनेटली हम लोग इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल I would like to thank Ujjwal to grace this occasion and coming here and guiding youth कि कैसे हम उनको guidance दे पाएं and जो अपना वो career choose कर पाएं, जो भी आजकल की जो current trend है उसको अपना पाएं and अपना future बना पाएं, and thank you so much everyone and to listen to this event, and मैं यही कहना चाहूँगा जो भी यहाँ पर youth हैं कि आपको अपना direction choose करना है कि आप अब जो जो कर रहे हो वही करते रहोगे तो आपको जो पाना है वो मिल पाएगा क्या, तो आपको सही दिशा लेनी है और उससे अपने को सक्सेस मिलने वाली ही है। थैंक यू सो मच संगीता जी, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच संदीप जी आपका ये कहते हैं ना गाइडेंस के लिए, और थैंक यू वंस अगेन, और आगे दोस्तों और मुलाना चाहूंगी एक ऐसे लीडर को हमारे बीच में जिन्होंने भी मोदी केयर कहते हैं ना एक साल से ही मतलब दिल से कर रहे हैं, जो बोलते हैं ना मोदी केयर में कई बार हम जुड़ जाते हैं पर कहते हैं मोदी केयर आप में आते आते टाइम लग जाता है, सो ऐसे ही एक लीडर है हमारे साथ संजय अरोरा जी जो सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है इस समय और बहुत ही अच्छे से बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं, सो वेलकम संजय जी। थैंक यू सो मच संगीता जी, गुड मोदी गुड मॉर्निंग एवरीवन, थैंक यू उज्जवल जी टाइम निकाला और जो यूथ को आज जो आपने गाइड किया है, आपने सच कहा है कि जॉब और बिजनेस में क्या फर्क है, आज हम लोग इतना पढ़ लिख के एक जॉब ढूंढने जाते हैं और उसके लिए कितना ट्राई करते हैं फिर जाके जॉब मिलता है और फिर हम अपने सपने पूरे करना चाहते हैं, लेकिन जो एक बिजनेस है ये इतना बढ़िया बिजनेस है कि इसमें आप सारे सपने पूरे कर सकते हैं, तो मेरे ख्याल से ये बिजनेस बहुत ही अच्छे से करना चाहिए, जितने भी यूथ लोग आए हैं उनको एक कैरियर की तरह इसको चुनना चाहिए, और सबसे बढ़िया हमारी मोदी केयर कंपनी है जो आपके सारे सपने को पूरा कर सकती है, ये हम लोग यहाँ पे प्रूफ है आपके सामने कि हम अपने सपने पूरे कर रहे हैं, तो थैंक यू दोस्तों, ओवर टू संगीता जी। थैंक यू सो मच संजय जी, सो दोस्तों मैं चाहूंगी यहाँ पे कुछ नए लोग आए, यस यू कैन कॉल साक्षी, यस श्योर आई विल डेफिनेटली, सो यहाँ पे कुछ यंग जनरेशन भी हमारे साथ बिजनेस में जुड़े हैं, सो आई वुड लाइक टू कॉल साक्षी, साक्षी वेलकम वेलकम ऑन बोर्ड, मैं जानती हूँ आपने इस बिजनेस को बहुत ही पैशनेटली एक्सेप्ट किया है, बट आई विश कि हमें आज जो इन्फॉर्मेशन मिली और जो एक बिलीफ मिला, सो आई वुड लाइक टू हियर समथिंग फ्रॉम यू, उज्जवल जी के लिए आपकी तरफ से कुछ वर्ड शेयरिंग। थैंक यू सो मच संगीता मैम फॉर इनवाइटिंग मी, और रोशनी मैम थैंक यू, आपने बहुत अमेजिंग प्रेजेंटेशन दिया, एंड उज्जवल जी आपने भी बहुत अच्छे से बताया, बहुत अच्छे से एजुकेट किया सब लोगों को, रोशनी मैम लाइक यू डिड टू मी, एंड गुड मोदी केयर मॉर्निंग, मैं साक्षी सिंह हूँ और मैं अपनी मॉम के साथ ये बिजनेस बिल्ड कर रही हूँ, और मैं भी नर्सिंग मॉम जी से MBA कर रही हूँ, और मैं भी अभी स्टूडेंट ही हूँ, एंड मुझे एक साल हो गया और मैं अभी डायरेक्टर लेवल पे हूँ, एंड फॉर श्योर मैं और बहुत ज्यादा मेहनत करना चाहती हूँ, बिकॉज ये मोदी केयर का अपॉर्चुनिटी ही ऐसा है और इसका पावर ऐसा है कि ये कोई भी मतलब
एक आम आदमी को खास आदमी बना देता है, ये पावर है इसकी, तो मुझे उस पे काम करना है एंड आई एम वर्किंग ऑन इट एंड फॉर श्योर कि मैं आगे जाके बहुत ज्यादा अचीव करूं एंड फॉरेन ट्रिप्स, बड़ी सी कार, बड़ा घर और शॉपिंग तो बहुत ज्यादा पसंद है, बस वो करना है। तो साक्षी मैं आपको एडवांस में बधाई देना चाहूंगी, वो सारी कामयाबी आपकी झोली में बहुत जल्दी है, बिल्कुल ये बिजनेस में पोटेंशियल है। सो दोस्तों कहते हैं ना कि अगर किसी रीजन से, कहते हैं अगर जो भी यहाँ पे हैं बच्चे हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं या पढ़ाई करके जॉब स्टार्ट कर चुके हैं, मैं आपको बताना चाहूंगी अगर किसी रीजन से अगर आप बड़े MBA स्कूल कॉलेज नहीं, डिग्री नहीं ले पाए या IITians नहीं बन पाए या बड़े डॉक्टर्स नहीं बन पाए ना, ये हमारे लिए सेकेंड अपॉर्चुनिटी है दोस्तों। दिस इज द अपॉर्चुनिटी वेयर यू कैन अर्न, यू कैन बी सो मच सक्सेसफुल जैसे एक बड़े IITians एक बड़े डॉक्टर्स बन सकते हो। सो ये सेकेंड अपॉर्चुनिटी आई है, इसके लिए कोई डिग्री, कोई एज कोई मायने नहीं रखता है, बस ठीक है सोच की बिलीफ है, आपके बिलीफ के ऊपर है आप इस बिजनेस को किस तरह से लेते हो और किस तरह से ग्रो करने चाहते हो। सो ऑल द वेरी बेस्ट। अगर आपको ये ऑफकोर्स ये अपॉर्चुनिटी समझ में आई होगी, मैं समझती हूँ कि इतने बढ़िया लीडर्स ने बताया है हमें। सो आप जिन्होंने भी आपको यहाँ पे इन्वाइट किया उनसे ट्यून हो जाइए, उनसे और डिटेल में समझिए, रेस्ट ऑफ द सेशन हम और ज्यादा इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेके आएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड गिविंग योर अवेलेबल टाइम, स्पेशली उज्ज्वल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए और इतना बढ़िया इतना सेशन लिया और हमारे साथ टाइम व्यर्थ किया। और रोशनी जी आपको तो दिल से थैंक यू है, बिकॉज यू आर आर आइकन जिनके कारण शायद हम सब, ये जो पूरी टीम है आपकी या जो लोग हैं, यू आर द पर्सन बिकॉज ऑफ यू वी ऑल आर हियर एंड थैंक यू फॉर दैट कि आपने हमारे लाइफ में एक रोशनी लाया एंड यू हैव मेड अस, यू हैव गिवन अस अपॉर्चुनिटी टू बी अ गुड इनटू द बिजनेस। सो थैंक यू वंस अगेन, हैव अ नाइस टाइम एवरीवन, सी यू सून, थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन, बाय एवरीवन।